सारा भाइयों ने राम राम। थारे खातिर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जिकी भर्ती है वह बहुत जल्द आने वाली है। सरकार की तरफों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और एक खाखो जिको होवे जिकी योजना होवे है वह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आपा बात करांगा कि जिकी अब राजस्थान पुलिस भर्ती जिकी आवेगी कांस्टेबल की बिम के बदलाव होया है। अब चला आपा हिंदी की ओर। तो दोस्तों जिकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वह कितना पदा पर होगी, सारों पहला तो आ बात कर लिया। तो बिंगा पद है, कुल पद है 4438 ये पद है। और आगे बात करा जिकी योग्यता, पिछली जिकी भर्ती ही बिम योग्यता ही 8वीं और 10वीं पास, लेकिन अब की योग्यता में थोड़ा फर्क है। अब की जिकी भर्ती होवेगी वह होवेगी 10वीं और 12वीं बेस पर, यानी कि अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जिकी योग्यता है वह 12वीं पास कर दी गई है। तो अब आगे बात करते हैं, तो जो जिला पुलिस होती है उसमें योग्यता है 12वीं पास, उसके बाद है आर ए सी में 10वीं पास युवाओं को लिया जाएगा, यानी कि वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं पास की है। उसके बाद अगर इसके पाठ्यक्रम पर बात करें तो पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पहले एग्जाम होता था वो 75 नंबर का होता था और 150 प्रश्न आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 150 नंबर का पेपर होगा और 150 ही प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो किस तरह से पूछे जाएंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें रीजनिंग व कंप्यूटर के दोनों को मिलाकर 60 प्रश्न आएंगे। ये बाद में पता चलेगा कि वो आंकड़े किस हिसाब से रखते हैं। उसके बाद है सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिलाकर 35 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे और 35 ही नंबर के। उसके बाद है महिला एवं बाल अपराध, जो 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। और लास्ट पोर्शन रहेगा अपना राजस्थान का, राजस्थान भूगोल इतिहास कला संस्कृति व अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान भूगोल इनसे पूछे जाएंगे, राजस्थान की जो इतिहास है उससे पूछा जाएगा 45 नंबर के प्रश्न, मतलब जितने प्रश्न होंगे उतने ही नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात की जाए फिजिकल की, जो सामान्य वर्ग है जनरल ओबीसी उनके लिए ऊंचाई रखी गई है पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर, और वहीं बात की जाए एससी एसटी वालों के लिए तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। उसके बाद सामान्य महिलाओं की बात की जाए सामान्य वर्ग की, तो उनकी हाइट है 152 सेंटीमीटर और उनका वजन होना चाहिए 47.5 kg। वहीं बात की जाए शहरिया जनजाति के पुरुष हैं उनकी हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर, और वहीं शहरिया जनजाति महिलाओं की जो हाइट है वो 145 सेंटीमीटर मांगी गई है और इनका वजन 43 kg होना चाहिए। वहीं बात की जाए एनसीसी, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 10 अंक इसमें प्राप्त होंगे। तो जो पिछली बार 5 अंक प्राप्त होते थे इस बार इन्होंने 10 अंक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई गई थी, और आपको जैसा कि पता है ग्राम विकास अधिकारी के भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।